1992 में बाबरी ढांचा ध्वस्त होता है और उसके अगले दिन से जबलपुर की उर्मिला चतुर्वेदी उपवास रखना शुरू कर देती हैं। अनाज का एक भी दाना ग्रहण न करने का संकल्प उन्होंने 27 साल पहले लिया था। 3 दशक होने को आए लेकिन रामलला की इस भक्त ने संकल्प नहीं तोड़ा। परिवार वाले नाराज हुए, रिश्ते टूटे, समाज ने नाराजगी जाहिर की, उर्मिला के संकल्प को बकवास तक कह दिया, लेकिन उर्मिला का व्रत नहीं टूटा। आज कोई 87 बरस की है उर्मिला। जिस फैसले के लिए संकल्प लिया वो फैसला आ चुका है, जो व्रत लिया वही पूरा हुआ। अदालत ने भी राम मंदिर बनाने का ही फैसला सुनाया है। संकल्प हमने 6 दिसंबर 1992 को दिन टीवी के सामने बैठे थे तो उसमें लोग बाबू का रक्तपात हो रहा था, उस समय हमने लिया था। हमने उसी समय आज हमारे परिवार के लोग बोले कि आप भोजन करें, हमने कहा आज हम भोजन नहीं करेंगे, हम संकल्प ले रहे हैं। और हमने संकल्प लिया उस दिन कि हम आज के बाद अब भोजन जब करेंगे तो भगवान विराजमान हो जाएंगे, मंदिर निर्माण होगा और संतों का भंडारा होगा, उसमें हम बैठेंगे, उस समय भोजन करेंगे, अयोध्या में अनुग्रहण करेंगे। जी हाँ, त्याग के फिर कैसे क्या खाती थी आप? जी कैसे अपना जीवन यापन करती? हमने जीवन यापन सुबह चाय, केला वगैरह, सीजन का फल और बस इसमें दही ले लिया और मच्छा ले लेते हैं, मतलब इसी तरह निकल गया हमारा उसका बहुत अधिक पेट, जल्दी पेट भर जाता था, सब जल्दी संतुष्टि हो जाती थी। अधिक केला भी खा लें तो पेट फूल जाता था, मतलब अधिक नहीं ले पाते थे, बस इतना ले पाते थे। क्यों लिया था अम्मा जी ये संकल्प लेने के पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि मंदिर को, जो भगवान का राम मंदिर है वो भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई मिलकर करें, अच्छे वातावरण में करें, भाईचारे से करें, लड़ाई झगड़ा रक्तपात क्यों हो रहा? धर्म का कार्य, धर्म के कार्य में रक्तपात हो रहा है, तो ये ऐसा मन को आया कि रक्तपात नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से दोनों भाई मिलकर करें, प्रेम से करें और भाईचारे से करें, मंदिर इस तरह मंदिर निर्माण करें। पर भक्तन का मोह देखिए कि संकल्प अब भी नहीं छूटा है। पहले संकल्प मंदिर बनाने तक का था, अब संकल्प अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने का है। उम्र गुजर रही है, जिंदगी भाग रही है, पर मजबूत इरादे आज भी कायम हैं। क्या पता रामलला भी इस भक्त से मिले बगैर ज्यादा दिन न रह सकें और वो दिन भी आ जाए जब उर्मिला अयोध्या में रामलला को निहार रही हो और पूरा परिवार भक्त और भगवान के इस अद्भुत मिलन का साक्षी बन जाए। की ताज़ा खबरों के लिए लॉगिन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।